please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload. Pratik ji, जी, thank you. मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल, हो सकता है कि आपको टेढ़ा भी लगे, ये इल्ज़ाम लग रहा है एनआरसी पर और एनआरसी के अधिकारियों पर कि आप लोगों ने ऐसे 40 लाख लोगों को छोड़ दिया जो बीजेपी के वोटर नहीं थे. ये लिस्ट मैनिपुलेटेड है, डॉक्टर्ड है. ये मैं कहना चाहूँगा कि ये पूरे आपके प्रोग्राम में मैं इसलिए शामिल हुआ हूँ आज, क्योंकि ये प्रक्रिया पूरा करने का दायित्व मेरे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है. और असम वासी जो कि इस पूरी प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, वो कि बाहर की बातों से विच्छिन्न ना हो जाएं, उनके मन में कुछ शंकाएं ना हो जाएं, जिससे कि वो आने वाली प्रक्रिया में अच्छे से शामिल ना हो पाए. अब पहली चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी प्रक्रिया एक लीगल प्रक्रिया है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों के थ्रू करी जाती है, उसी तरीके से जिस तरीके से कि स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी इलेक्शन करते हैं, लेकिन उस टाइम में वो लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं. उसी तरीके से ये सारे अधिकारी या जितने भी और कर्मचारी हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो इस समय सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में काम कर रहे हैं. और ये बहुत क्लियर किया जा चुका है कि इसके अंदर किसी भी किस्म का इंटरवेंशन बाय एनी अदर अथॉरिटी एक्सेप्टेबल नहीं है. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कि अंदर हमारे सरकारी कर्मचारी और ऑफिसर्स जो जहाँ पे पोस्टेड थे 2015 से इस काम में कार्यरत हैं, पूरा प्रोसेस एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के तहत किया जा रहा है. वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में भी आपको बता देता हूँ कि हमको ये तय करना है कि 3.25 करोड़ जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं, 3.29 करोड़ जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं, चाहे वो 6 महीने का कोई बच्चा हो, चाहे वो 30 साल का कोई यंग इंसान हो या 80 साल के कोई बुज़ुर्ग हो, हर एक को अपना लिंकेज 24 मार्च 1971 तक प्रूव करना है और वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जरिए प्रूव करना है. तो उनको 24 मार्च 1971 से पहले उनके एंसेस्टर जो यहाँ पे रह रहे थे उनका प्रूफ देना है कि वो यहाँ पे रह रहे थे, और उनको उनके साथ लिंकेज इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है जी. या किसी किसी केस में अगर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दे पाते हैं तो कुछ वो विटनेस के जरिए दे सकते हैं. तो इस पूरी प्रक्रिया में 3.29 करोड़ एप्लीकेंट्स ने अप्लाई करा 31 अगस्त 2015 तक. 6.6 करोड़ डॉक्यूमेंट उन लोगों ने सबमिट करे हैं. हर डॉक्यूमेंट को हम इशूइंग अथॉरिटी के पास में भेजते हैं ये तय करने के लिए कि वो डॉक्यूमेंट उन्होंने ही इशू करा है कि नहीं करा है. इसके अलावा हम ये भी चेक करते हैं, क्योंकि ये एक डिसेंडेंस का प्रश्न है, तो जिन लोगों के नाम 71 से पहले दिखाए जा रहे हैं ये उन्हीं के वंशज हैं या नहीं है, तो हम इस तरीके से चेक करते हैं कि एक इंसान को पिताजी बता के जितने भी लोगों ने अप्लाई करा है वो आपस में भाई बहन हैं या नहीं है, आपस में ब्लड रिलेटिव्स हैं या नहीं है, जिसकी की सुनवाई करी जाती है. एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊँ कि पिछले 5 महीनों के दौरान हमने ऐसी 9 लाख 9.25 लाख हमने सुनवाई करी है हमारे 4000 सेंटर्स में, जिसमें 1 करोड़ लोग शामिल हुए, एक जगह से दूसरी जगह जाके वो लोग उस प्रक्रिया में शामिल हुए और उस सुनवाई से काफ़ी कुछ सच और झूठ का पता चला. तो ये एक लीगल प्रोसेस है जिसके अंदर की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्ट सुपरविजन में काम किया जा रहा है. किसी भी किस्म का इसके अंदर इंटरफेरेंस किसी भी और अथॉरिटी का, पॉलिटिकल या किसी और अथॉरिटी का, एक्सेप्टेबल नहीं है. मैं डायरेक्टली माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट करता हूं और सारी प्रक्रिया उनके मॉनिटरिंग में होती है. किसी को कुछ अगर परेशानी हो, किसी को कोई शिकायत हो, तो इतने सारे उसके अंदर बड़े बड़े वकील जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो जाके अपनी बात रख सकते हैं.